आप देख रहे हैं द फिल्म न्यूज यूट्यूब चैनल। पिछले दिनों बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में सलमान खान अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश जा रहे थे। एयरपोर्ट के इस वीडियो में सिक्योरिटी में लगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के एक अधिकारी ने सलमान खान को रोक लिया था। सलमान खान बिना चेकिंग कराए भीतर जा रहे थे, तभी इस अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। CISF के अधिकारी के इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हुई। हाल ही में खबर आई थी कि एक अन्य CISF अधिकारी ने बताया कि सलमान को रोकने वाले इस अधिकारी का फोन जब्त कर लिया गया है ताकि वह मीडिया से बात ना कर पाए। हालांकि CISF ने ऐसे किसी भी खबर से इनकार किया है। CISF के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। ट्वीट में दी गई जानकारी गलत और निराधार है। सही बात यह है कि संबंधित अधिकारी को अपने कर्तव्य को बेहतरीन तरीके से निभाने के लिए पुरस्कृत किया गया है। बता दें, यह वीडियो तब सामने आया था जब 20 अगस्त को सलमान खान अपनी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए रूस रवाना हो रहे थे। इसके बाद सलमान खान और कटरीना कैफ के कई वीडियो और तस्वीरें रूस से सामने आ चुकी हैं। टाइगर 3 का डायरेक्शन अमित शर्मा कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की खबरों के लिए देखते रहिए द फिल्मी न्यूज़।